हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल AFLM के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर ऑफ CS कोर्स इन 2021 एंड ऑनवर्ड्स, कि CS प्रोफेशन का क्या फ्यूचर रहेगा, क्या स्कोप रहेगा 2021 में और उसके आगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो मेरे बारे में नहीं जानते, कि मेरा नाम रमनदीप सिंह है एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी एज वेल एज साइबर लॉयर। तो मैं खुद CS हूं, तो आप लोगों को मैं बेटर गाइड कर पाऊंगा कि CS किस दिशा में जाने वाली है और क्या क्या हम कर सकते हैं। मैं जरा दोनों उसके बारे में बात करूंगा, फिर ध्यान से सुनना। पहले तो जो लोग ये नहीं जानते कि CS वालों का काम क्या होता है, तो आप पहले समझ लो कि CS वाले कॉर्पोरेट्स के लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक है, कंपनी बनानी कैसे है, कंपनी खत्म कैसे करनी है, कंपनी की ब्रांडिंग में जब कंपनियां काम करती हैं तो ट्रेडमार्क कैसे लेने हैं, कंपनी को इसके अलावा स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग कैसे होगी, कंपनीज की लिस्टिंग कैसे होगी, वो सब CS का काम है देखना। कंपनीज के अंदर मीटिंग्स कंडक्ट करवाना है ना, A to Z, मतलब कंपनी पे एक कंपनी में समझो कि बिल्कुल क्रक्स में समझाऊं तो एक कंपनी पे जितने लॉ लगते हैं ओवरऑल वो हम ही देखते हैं। इसलिए हमारे CS वालों को गवर्नेंस प्रोफेशनल भी बोला जाता है कि ओवरऑल कंपनी कैसे गवर्न होगी उसके हम प्रोफेशनल हैं, हम देखते हैं। तो अगर मैं तुम्हारे से बात करूं CS कोर्स की, तो CS आप जब बन रहे हो, CS बनने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं। आप एक तो जॉब में जा सकते हो, यू कैन गो इनटू एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन गो इनटू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है कि आप एक किस्म जैसे पापा की दुकान है, ऐसे प्रैक्टिस में आप एक अपने अपनी खुद की एक फर्म खोलते हो, उसे दुकान बोल लो या फर्म बोल लो, हम ऑफिशियली फॉर्मल लैंग्वेज में फर्म बोल देते हैं, है एक किस्म से वो दुकान ही। और उसके अंदर आपको क्या काम होता है कि जैसे जैसे पापा के पास क्या था, नॉर्मल कोई दुकान है तो जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। ऐसे ही फर्म के अंदर क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग क्या आएंगे, आपके क्लाइंट जुड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज्यादा आपका रिवेन्यू आएगा। फर्म के अंदर सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि जो अच्छी फर्म्स है CS की, वो हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल, सपोज किसी नॉर्मल बंदे को दिमाग में आता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, तो स्टार्टअप करने के लिए उसे कंपनी बनवानी पड़ेगी, बिजनेस डिसाइड करना पड़ेगा, कंपनी बनाने के लिए कौन कौन से लॉ लगेंगे, उसको अपना कोई ब्रांड सोचना पड़ेगा, तो ब्रांड को रजिस्टर करवाने के लिए कौन से लॉ लगेंगे, है ना। इसके अलावा कंपनी को एनुअली चलाने के लिए कौन कौन से लॉ लगेंगे, वो सारा काम CS गाइड करते हैं। ऐसे समझो कि कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक का सारा काम CS गाइड करते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स में, नॉट टैक्सेशन और फाइनेंस एस्पेक्ट्स। सर, टैक्सेशन और फाइनेंस में बहुत रेयर CS वर्क करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन जो मेनली CS वाले वर्क करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स में करते हैं, टैक्सेशन और फाइनेंस के लिए CA और CM में है। अब मैं जरा अगर तुम्हारे लोगों से आगे बात करूं, तो हम लोग अदरवाइज लीगल एस्पेक्ट्स में शुरू से लेकर एंड तक कंपनी का सारा काम हम देखते हैं। और आज की डेट में तुम्हारे को पता होगा कि मैं प्रैक्टिस के हिसाब से भी बात कर रहा हूं, फिर मैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आऊंगा। तो 2021 के हिसाब से अगर बात करूं, तुम अब पिछले 3-4-5 सालों से देखो, तो आप अगर देखोगे तो जब से मोदी जी का वो आया है, इन लोगों ने ई गवर्नेंस पे बड़ा फोकस करा है ना, मेक इन इंडिया और ई गवर्नेंस, है ना, और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सब चीजों पे। तो उसको लेके ना इतना ज्यादा स्कोप बढ़ा है प्रोफेशनल्स के लिए। अगर तुम्हारे को बताऊं तो मैं एक छोटी चीज एग्जांपल लेके बात करता हूं। अगर आपको एक फूड का रेस्टोरेंट खोलना है तो उसके लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए, है ना। आप इसके अलावा अगर मैं तुम्हारा, तो वो कौन दिलवाएगा, CS, आप उसके पास जाओगे। आपको इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, IEC, वो कौन दिलवाएगा, CS। आपको इंडिया में कंपनी बनाकर काम करना, तो उसके लिए कंपनी को बनाने का काम सारा लीगल प्रोसेस ROC के पास, रजिस्टर करवाने का काम, वो सब किसके पास है, CS के पास। आपने कंपनी बना ली, अपना एक ब्रांड, जैसे कोका कोला के ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स का एक अपना ब्रांड है, मैकडी, जैसे ना ब्रांड वैल्यू, जैसे मैकडी उनका जो साइन है, ट्रेडमार्क है उनका, तो वो ट्रेडमार्क दिलवाना, उनके ब्रांड को रजिस्टर करवाना, वो भी कौन करवाएगा, CS। मतलब एक किस्म से मैं कह सकता हूं, एक बार आप CS पे आ गए तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। अगर मैं प्रैक्टिस के आपसे बात करूं, अगर CS लायक है, अच्छा CS है, उसको चीजों की नॉलेज है, तो वो आपको हर तरीके से गाइड कर पाएगा। टैक्सेशन एस्पेक्ट्स में नहीं बता रहा मैं, इसलिए ज्यादातर आप लोग देखोगे कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, और आजकल लोग CS वाले कंबाइन फॉर्म खोलते हैं, CS CM में CS वाले, सपोज CS वालों ने कंबाइन खोल लिया, CM में CS वालों ने कंबाइन खोल ली, उसमें क्या होगा कि टैक्सेशन और अकाउंटिंग एस्पेक्ट CA वाले गाइड कर देते हैं, लीगल एस्पेक्ट सारे CS वाले गाइड कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होगा, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, आप लीगल एस्पेक्ट सारे उनका सारा काम CS देख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, अब इतनी इतनी चीजों के लॉ है, इतनी इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो CS वालों को आज के डेट में पढ़ाई जाती है डेली बेस पे। CS वालों का हर 6 मंथ्स में कोर्स अपडेट होता है, तो उसके बाद क्या होता है, जितने लेटेस्ट चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, वो सब आपको पढ़ाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग एकदम ट्रू प्रोफेशनल बन के इंडस्ट्री में निकलते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो प्रैक्टिस के अंदर क्या होता है, जब आप अपनी दुकान खोलोगे तो प्रैक्टिस में देर इज नो लिमिट की, मतलब रिवेन्यू की
हो सकता है कि इनिशियली जब आप स्टार्ट करो तो ऐसा भी हो सकता है पूरे साल में आप 1,00,000 रुपए भी ना कमाओ, क्योंकि क्लाइंट धीरे 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 बनता है। वो जब आपकी सर्विसेज अच्छी होंगी, आपको नॉलेज अच्छी होगी, तो वो डेली बेस पे वो आगे रेफर करेगा, वो आगे रेफर करेगा, और करते 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 फिर उसके बाद कोई लिमिट है इसका, कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। मतलब आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए अर्न कर सकते हो। बहुत ऐसे सीएस हैं, मैं नाम बताऊंगा तो तुम लोग सोचोगे। मैं दिल्ली के अंदर, तो अगर आज जाके चेक करो तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एक फर्म है, सीएस पवन कुमार विजय सर की है, आरएमजी एसोसिएट सीएस मनीष गुप्ता सर की है, ये इतने बड़े बड़े सीएस। इसके अलावा रंजीत पांडे सर, अब अगर आप दिल्ली के अंदर, अगर मैं हिसाब से बात करूं, मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली में हूं, ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से एक से एक सीएस हैं जो प्रैक्टिसिंग सीएस हैं एंड दे आर अर्निंग इन करोड़, मतलब बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो प्रैक्टिस में कोई लिमिट नहीं है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए और शुरू से लेकर एंड तक आप एक कंपनी का सारा काम देख पाते हो और आपको सब पढ़ाया जाता है, तो आपसे बढ़िया कोई स्किलफुल बंदा नहीं है। जिस हिसाब से आपको कोर्स कंटेंट है ना, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ लिया तो आपसे लायक कोई बंदा नहीं होगा कॉर्पोरेट के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स में गाइडेंस देने के लिए। दो कंपनियां बड़ा बिजनेस लेवल करना चाहती हैं, मर्ज होना चाहती है, जैसे आईडिया और वोडाफोन मर्ज हुई थी, ऐसे बड़े लेवल पे मर्ज होना चाहिए, वो मर्जर भी कौन करवाते हैं सीएस, है ना। तो क्या नहीं करते हम शुरू से लेकर, वी आर कॉर्पोरेट डॉक्टर्स, कंपनी बनने से अगर खत्म होने तक का सारा काम कौन देखते हैं हम। ये तो हो गई प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अगर मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि आप लोगों का ना स्कोप क्या होता है कि आपको सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी, इनिशियल पैकेज। अगर आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है तो 60-70 हज़ार मिल जाएगी, 50 हज़ार मिल जाएगी। आपकी नॉलेज ठीक ठाक है तो 30-35 हज़ार मिल जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉलेज ठीक है तब भी 30-35 हज़ार ही मिल रही होती है मार्केट सराउंडिंग की वजह से, क्योंकि अच्छा ये इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो। दिल्ली में, मुंबई में जाओगे तो थोड़ा सा सैलरी आपको ज्यादा मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहरों में काम करोगे तो सैलरी थोड़ी सी कम होगी। अब ये सैलरी जो होती है ना इनिशियल स्टेज की, कंपेयर नहीं करनी चाहिए कभी भी। ऐसा क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने सीएसएस कर लिया, हमारी 25-30 हज़ार रुपये महीना सैलरी लगी, हमने तो बर्बाद कर लिया, इतना टाइम लगा के बर्बाद कर लिया अपने आप को। एक चीज बताता हूँ, और फिर तुम लोग कंपेयर किससे करते हो, तुम्हारा कोई दोस्त जो ग्रेजुएट था जो अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था मुझसे कंपेयर करते हो, है ना, या कोई और कोई कॉल सेंटर में नौकरी कर रहा था मुझसे कंपेयर करते हो। एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, इनिशियल पैकेज प्रोफेशनल्स का कम होता है किसी भी प्रोफेशन का। डॉक्टर के प्रोफेशन को देख लो, क्या एमबीबीएस बनते हैं वो लोग खुद सक्सेसफुल रहते हैं, उनको एमडी भी करनी पड़ती है, एमडी भी करनी पड़ती है बाद में, उसके बाद भी उनका क्या क्लिनिक खोलते हैं एकदम से चल जाता है, नौकरी करेंगे तो बात अलग है, उनको भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो चीजें ना प्रोफेशनल्स की जिंदगी में क्या होती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जुड़ती चली आती है, वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता चला जाता है। आप कोई आपका दोस्त जो खाली ग्रेजुएट और वो किसी जगह पे अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हो और अगर उसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये महीना हो, तो पहली बात तो स्टार्टिंग 25-30 लगती नहीं है अकाउंटेंट की, वो 10-12 हज़ार से लगाओगे, करते करते उसको 4-5 साल हो गए होंगे। और तुम्हारी सैलरी अगर स्टार्टिंग ही 30-35 हज़ार लगती है, 30 हज़ार की एक एवरेज लेके चलो, तो उसके बाद, क्योंकि मैं नहीं बड़े बड़े सपने दिखा रहा कि तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी सीधा करोड़ों में लगेगी, नहीं, सच्चाई मान के चलो 30-40-50 के बीच की एवरेज होती है। तो अगर तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी 30 लगती है तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5-7 ईयर्स आप लोग देखोगे कि आपकी सैलरी 1.5-2 लाख पर मंथ होगी। मतलब यहाँ पे जो हाइक होता है ना, वो हाइक 10-10% का नहीं होता। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है, मैं उसको भी चैनल पे बुलाने लगा, मैंने उससे बात करी, उसको टाइम नहीं निकल रहा। ही इज वर्किंग इन आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर वो असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी है। 2017 में उसने पेपर दिया, 2018 के स्टार्ट में वो सीएस बन गया था। उसका मेंबरशिप मेरे ख्याल से 2018 एंड का है और मेंबरशिप नंबर वगैरह उसको 2-2.5 साल हुए हैं बने हुए, और उसकी सैलरी कम से कम अभी के तरफ से वो स्टार्टिंग लगी थी उसकी मेरे ख्याल से 28 हज़ार पर मंथ से, 28,000 पर मंथ से, और आज के डेट में जो उसकी सैलरी है वो मेरे ख्याल से 55,000 पर मंथ। तो 2 साल में अगर 55 हज़ार रुपये पर मंथ था और 28 के हिसाब से लगा था, तो इसका मतलब डबल हो गई। 2 साल में 28 × 2 करोगे तो 56 होता, उसकी 55,000 पर मंथ के हिसाब से 2 साल में डबल। तो अपन अंदाजा लगा सकते हो कि ग्रोथ का लेवल कितना ज़्यादा है, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि 10-10% हाइक होगा, सीएस के प्रोफेशन के अंदर एक खासियत है कि 20-40% ऐसे ऐसे हाइक होता है और आपने कंपनी स्विच कर ली, दूसरी कंपनी में गए तो एकदम से वो। तो जिन लोगों को देखो, अब मैं बताता हूँ कि जॉब के हिसाब से अगर मैं तुम्हारे को बात करूं तो इंडिया के अंदर इस टाइम पे बहुत सारी कॉर्पोरेट्स एंटर कर रही हैं मेक इन इंडिया कंसेप्ट की वजह से। आपको पता होगा वैसे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो चाइना के अगेंस्ट जा रही हैं, तो बहुत सारी अभी टेस्ला मोटर्स आई इंडिया के अंदर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया के अंदर एंटर करने का प्लान कर रही है, और वो प्लान करेंगी तो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ग्रो करेगा, और जितना एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ग्रो करेगा उतनी सीएस वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा खुलेंगी। और जैसे जैसे इंडिया में अब तुम देखना सीएस वालों को आरबीआई वालों ने मैंडेटरी कर दिया कि हर एक बैंक को कंप्लायंस ऑफिसर के, उसके लिए उन्होंने प्रपोजल भी रखा था, मैंडेटरी कर रही है कि हर एक बैंक के अंदर जो कंप्लायंस ऑफिसर बनाया जाएगा वो सीएस को बनाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में अब तुम थोड़े टाइम में देखोगे
कि जैसे जैसे ये बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा और वो ग्रो ही करता जाएगा, आजकल लोग ऐसे भी आ चुके हैं, कैशलेस इकोनॉमी होती जा रही है हमारी, लोग कैश कम यूज करते हैं, आजकल बैंकिंग चैनल्स पे ज्यादा आ गए हैं, तो ऐसे ऐसे बैंकिंग सेक्टर इंडिया में ग्रो करेगा, ऐसे ऐसे सीएस की डिमांड और बढ़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बताऊं तो भी बहुत ग्रो होने वाला है हमारा फ्यूचर 2021 के अंदर। प्रैक्टिस के हिसाब से बताऊं तो इतने ज्यादा लॉज हो गए हैं, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है कि कंपनी और डेली बेस पे इतनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, अभी कंपनी अमेंडमेंट 20 आया, इतने इतने चेंजेस ड्रास्टिकली हो रहे हैं कि नॉर्मल बंदा समझ ही नहीं पाता, वो प्रोफेशनली समझाएगा तुम्हारे लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिस के हिसाब से भी बताऊं और जॉब के हिसाब से भी बताऊं तो जॉब के अंदर जो आपका फ्यूचर है सीएस का फ्यूचर, वो बिल्कुल अब आने वाले टाइम में आप देखना 2-3 साल के अंदर वो बिल्कुल इतना ग्रो हो जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है। इकोनॉमी के अंदर तब बूम आने वाला है सीएस वालों के लिए। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो कॉर्पोरेट्स एंटर करती जाएंगी ना, बड़ी 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 जितनी कॉर्पोरेट्स आती जाएंगी और जितने ज्यादा एवेन्यूज खुलते जाएंगे, वो हमारे सीएस वाले उसके हिसाब से कोर्स में अडॉप्टेबिलिटी बड़ी जल्दी लाते, चेंज करते रहते हैं अपने आप को। जैसे आपको इंडिया उनको पता लगा कि एनबीएफसी का रोल बढ़ रहा है, तो आपको सेटिंग अप के पेपर में सीएस एग्जी में एनबीएफसी के लॉज ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के, बैंकिंग कंपनीज के। इंडिया में उन्हें पता है कि बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, इंडिया के अंदर एफडीआई आती है, तो उन्होंने फेमा के लॉस की वेटेज बढ़ा दी ताकि बच्चे ज्यादा फोकस करें। तो उसके लिए आपको क्या कर दिया गया, याद रखना कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ प्रोफेशनल नहीं होते, ये लोग गलत समझते हैं। कंपनी लॉ इज अवर ब्रेड एंड बटर, लेकिन वी आर ओवरऑल कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ। जब हम बोले कंपनी लॉ दैट मींस ओनली कंपनीज एक्ट एंड रूल्स, लेकिन जब हम बोले कॉर्पोरेट लॉ तो कॉर्पोरेट का मतलब है एक कंपनी पे जितने लॉ लग रहे हैं सबको जोड़ दे तो बनता है कॉर्पोरेट। तो मतलब लेबर लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ सबको जोड़ दे तो क्या बनता है, कॉर्पोरेट कंपनी लॉ। तो इसका मतलब कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म एंड वी आर कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल्स एंड नॉट कंपनी लॉ प्रोफेशनल्स। ये बात समझ आती है, कंपनी लॉ तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है लेकिन हम ओवरऑल कॉर्पोरेट लॉ प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक, तो ये था जॉब के हिसाब से और प्रैक्टिस के हिसाब से। तो जो हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप जी लगाकर मेहनत करो, फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइटर है। ठीक, और इसी तरीके से वीडियोस को प्यार करते रहे। एंड हाँ, मैंने मेरा व्हाट्सएप पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना रखा, तो चाहे सीएस वाले बच्चे अभी नए नए हैं, अगर कोई बच्चा सीएसईटी से अभी सीएस एग्जी में आया है, या कोई बच्चा सीएसईटी कर रहा है, या सीएस अभी एग्जी में क्लियर करके आया, या कोई पहले से एग्जी में है, या कोई प्रोफेशनल में है, मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया है, उसमें मैं सीएस से रिलेटेड अपडेट भेज देता हूँ। अगर तुम्हारे को मेरे से व्हाट्सएप पे ऐड होना तो ऐड हो सकते हो। मेरा व्हाट्स मेरे को ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के लिए तुम्हारे को क्या करना है, मेरे को लिख के भेजना है सबसे ऊपर हाय, आपका नेम, नेम में आपका जो भी आपका नाम है एक्स वाई जेड, आपका लेवल कि आप सीएस एग्जी में हो, प्रोफेशनल में हो, या सीएसईईटी में हो, जहां भी हो व्हाट्सएवर। उसके अलावा आपका पर्पस कि आप किस लिए मेरे को मैसेज कर रहे हो, पर्पस में आप लिखोगे ब्रॉडकास्ट, तो मैं अपने आप आपको ऐड कर दूंगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये ब्रॉडकास्ट है, ये ग्रुप नहीं है, दिस इज ब्रॉडकास्ट नॉट ग्रुप। तो इसमें क्या होगा, ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि मैं जो भी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि जब आपको ऐड किया जाता है तो आपको जितने भी अदर मेंबर्स होते हैं वो ग्रुप में दिखते हैं, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट में आपको अदर मेंबर्स नहीं दिखेंगे, ना जब मैं आपको ऐड करूंगा नोटिफिकेशन आएगी, मतलब ऐड होने की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ना आपको ग्रुप में अदर मेंबर दिखेंगे, लेकिन मैं जो भी अपडेट भेजूंगा वो आपके पास पर्सनली आ जाया करेंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के नीचे वैसे फ्लैश हो रहा है, लेकिन मैं स्टिल लिख देता हूँ 880-223-513। ठीक है, चलो इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।